together in a carriage and reached the road we had visited in the morning. Holmes told us to follow Mr. Merryweather, who led us through an iron gate. We followed him down a narrow passage. After going down some stone steps, he led us down a dark, earth-smelling passage and into a huge cellar full of big boxes. We all sat on the boxes. We are in the cellar of the city branch of one of the main banks in London. Mr. Merryweather is the chairman of the bank, and he will tell you why a criminal should take an interest in this cellar at present, said Holmes. Mr. Merryweather explained that the bank had borrowed a huge quantity of gold from the Bank of France, and the boxes in the cellar were full of gold. Holmes expected the criminals to act the very night. We had to wait there in total darkness without making any noise to take the criminals by surprise. They have put one escape route. They have but one escape route, whispered Holmes. That is back through Mr. Wilson's house. I hope that some men are waiting at Wilson's door, Mr. Jones. I have an inspector and two officers waiting at his door. Then we have stopped all the holes. Now we must be silent and wait. जब 10 बजे बेकर स्ट्रीट पर शर्लॉक होम्स के मकान पर मिस्टर जोन्स, मिस्टर मेरीवेदर और डॉक्टर वॉटसन, ये चारों लोग पहुंच जाते हैं वो उनके घर से एक कैरिएज उस जमाने में घोड़ा गाड़ियां हुआ करती थी जो एक बंद डिब्बे की तरह रहती थी, तो उसे कैरिएज कहा जाता था। उसमें बैठ करके वो निकले और उसी रोड पर, उसी जगह पर जहाँ पर वो सुबह में गए थे, उस जगह के ऊपर वो चारों लोग पहुंच गए। वहां से मिस्टर शर्लॉक होम्स ने कहा कि हमको मिस्टर मेरीवेदर को फॉलो करना है। मेरीवेदर आगे बढ़े, उन्होंने उनको एक आयरन गेट, लोहे की ग्रिल वाले गेट से उनको गुजारा और वहां से गए। वहां से जाने के बाद वो एक नैरो पैसेज, एक तंग गली, एक तंग गुजरगाह से गुजरे। वहां से जाने के बाद कुछ पत्थर की जो स्टेप्स थी उससे वो नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद एक अंधेर गली में पहुंचे जहाँ पर अर्थ स्मेलिंग पैसेज था, जहाँ पर मिट्टी जैसी खुशबू आ रही थी, मतलब वो तल घर तक पहुंच चुके थे। वहां से फिर वो एक बहुत बड़े सेलर है तहखाने के अंदर, वहां से वो दाखिल हुए जहाँ पर विच वॉज फुल ऑफ बिग बॉक्सेस, बहुत बड़े बड़े बॉक्स से भरा हुआ था वो सेलर, वो जो तहखाना था। वो सब गए, उन बॉक्सेस के ऊपर बैठ गए। वहां पहुंचने के बाद मिस्टर शर्लॉक होम्स ने बताया कि हम लंदन के जो एक मेन बैंक है उसकी सिटी ब्रांच के सेलर तहखाने के अंदर इस वक्त बैठे हुए हैं, और इस बैंक के चेयरमैन मिस्टर मेरीवेदर है, और मिस्टर मेरीवेदर ही हमको हम यहाँ से आगे बताएंगे, समझाएंगे कि क्यों किसी को ऐसे तहखाने के अंदर इंटरेस्ट होगा। तब मिस्टर मेरीवेदर ने बताया कि उन्होंने अभी हाल के दिनों में बैंक ऑफ फ्रांस से बड़े पैमाने पर ह्यूज क्वांटिटी में जो है तो गोल्ड, सोना बोरो किया है। बोरो यानी आरियतन लेना, उधार लेना कहते जिसको हम, तो उधार लिया है। और यहाँ पर जिस बॉक्सेस पर हम फिलहाल बैठे हुए हैं, इन बॉक्स के अंदर ये सोना भरा पड़ा है। तो मिस्टर शर्लॉक होम्स कहते हैं कि मुझे जैसी उम्मीद है कि ये क्रिमिनल्स इसी रात को यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद हो सकता है कि वो यहाँ से ये सोना लेकर के जाए, लेकिन यहाँ से उनके लिए एक एस्केप रूट है, भागने का एक रास्ता बचा हुआ है। और वो भागने का रास्ता कौन सा है? मिस्टर विल्सन हाउस, मिस्टर विल्सन के घर पर। तो उन्होंने सवाल किया मिस्टर जोन्स, जो कि स्कॉटलैंड यार्ड के पुलिस ऑफिसर है, कि वो जो रास्ता है क्या वो वहाँ से भाग सकते हैं। मिस्टर जोन्स ने कहा कि मैंने वहां पर अपना एक इंस्पेक्टर और दो ऑफिसर, जिनको हवलदार कह सकते हैं, उनको वहां पर तैनात किया हुआ है, वो वहां पर नहीं बैठ, वहां से भाग नहीं सकते। तब मिस्टर होम्स ने कहा, तब तो हमने यहाँ पर साइलेंट यानी खामोश बैठकर क्रिमिनल्स का, मुजरिमीन का वेट करना चाहिए, यानी इंतजार करना चाहिए।
और यहाँ पर हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अल्लाह हाफिज़।